अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और बहुत मज़े के सैंडविचेस, जिसे आप घर में 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सैंडविचेस का मिक्सचर तैयार करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के, एंड आपने क्रीम डालनी है इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून। क्रीम डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। इसके बाद इसमें शामिल कर दें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि नमक और काली मिर्च मेयोनीज और क्रीम के साथ कंबाइन हो जाए फुली। इसे मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। दूध आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा पैक का भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का शामिल कर रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 3-4 टेबलस्पून दूध यानी कि मिल्क के, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो सही क्रीमी बने। दूध डालने के बाद इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से ताकि हमारी स्मूथ सा टेक्सचर और स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है चिकन, जो कि मैंने ली है 1 चेस्ट पीस। इसको मैंने बॉयल कर लिया था 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के, उसके बाद इसको श्रेड कर लिया स्मॉल पीसेज में। ये 1 चेस्ट पीस था और ये सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कंबाइन कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इससे मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए इसी तरीके की न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहा करूं। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कद्दूकश की हुई गाजर। इसके बाद इसमें शामिल कर दें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने कद्दूकश नहीं किया था, लेकिन उसको मैंने फाइनली चॉप किया है और ये तकरीबन 1 छोटी शिमला मिर्च है जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल किया है। शिमला मिर्च डालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंबाइन करना है। इन केस अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक हो चुका है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर देना है 2-3 टेबलस्पून, तो उससे ये होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से असेंबल करना है। सबसे पहले आपने ब्रेड के पीसेस लेने हैं, जितने आपने सैंडविचेस बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड लीजिएगा। इसके बाद आपने उसके एजेस को रिमूव कर लेना है इस तरीके से। अगर आपके पास सिंपल ब्रेड है तो आप सिंपल ले लें, सैंडविच ब्रेड है तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसके पीसेस काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैं आज आपको सिंपल नॉर्मल ब्रेड से बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो मिक्सचर था जो मैंने तैयार किया था, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छे तरीके से, और तकरीबन एक सैंडविच के ऊपर आपके 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इवनली इसको स्प्रेड कर दिया है, एजेस पर भी लगाइए, किनारों पर भी लगाइए। सो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर मैंने एक ब्रेड के स्लाइस पे लगा दिया है। अब सेकंड ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ केचप तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल केचप है, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो सिंपल केचप ही यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपने इसको अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देना है और आपने उसी चिकन के मिक्सचर के ऊपर ये स्लाइस भी रख देना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इस स्लाइस के ऊपर केचप लगानी है। अगर आप चिली गार्लिक सॉस लगा रहे हैं तो वो लगा दीजिए, और इसे भी आपने इवनली स्प्रेड कर देना है चम्मच की मदद से। और ये लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगाने हैं बॉइल्ड एग्स। तो मैंने 2 अदद अंडे लिए थे और उनको 10 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया है, और बॉयल करने के बाद उनको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है और ये यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। सो बॉइल्ड एग्स लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो दूसरा स्लाइस है ब्रेड का, उसके ऊपर केचप लगानी है, और केचप लगाने के बाद इसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए, और इस स्लाइस को भी आपने बॉइल्ड एग्स के ऊपर रख देना है। तो आपका मज़ेदार सा, इजी सा, क्विक सा सैंडविच तैयार हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। एंड दिस सैंडविच इज़ वेरी हेल्दी, आप इसे बच्चों को दें। इसके अंदर एग्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर चिकन है, तो इसे आप ज़रूर बनाइए और बच्चों को दें। तो अभी मैं आपको ये कट करके दिखा रही हूँ। सो आवर क्लब सैंडविच इज़ रेडी। बहुत से तरीकों के बनते हैं, तो मैं आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस की। और ये मैंने कट कर लिया, आप देखें कितना अच्छा और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें
ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपका इनाम होता है मेरे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।